कृषि मीडिया एंड टेक किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। किसान भाइयों, ये जो है मैसी 10-35 ट्रैक्टर है, तो जब ये आया था जब किस कंडीशन में था? सोपर जब ये आया था पेंटिंग होने के लिए, तब किस कंडीशन में था वो आपको दिखा रहे हैं पहले, और उसके बाद में कम्प्लीटली दिखाएंगे कि क्या लुक इसका चेंज हुआ है, किस तरीके से इसकी जो है डेंटिंग पेंटिंग हुई है, कैसी फिनिशिंग आई है, वो सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। साथ में आपका जो है जो दुकान के मालिक हैं जो इसका काम करते हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो सबसे पहले तो आप इसे देखिए कि किस कंडीशन में ट्रैक्टर आया था, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन अब इसकी हो गई है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा ट्रैक्टर और कैसा लगा मिस्त्री साहब का काम आपको। और अब आप ट्रैक्टर की कंडीशन देख लो खुद ही, क्या कंडीशन इसकी हो गई है और किस कंडीशन में आया था वो आपने देखा है अभी, और आप खुद देख लो अपनी आंखों से कि क्या इसकी पेंटिंग हुई है और क्या डेंटिंग हुई है, वो आप खुद देख सकते हैं। पेंट इतना नंबर वन का है, इतना क्वालिटी का पेंट किया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ट्रैक्टर जैसे बिल्कुल शोरूम पे ट्रैक्टर खड़ा हो। बस कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी जिसकी वजह से आपको ये लग रहा होगा कि ये पुराना ही ट्रैक्टर है, बाकी जैसे कि टायर वगैरह हैं उनकी वजह से लग रहा है कि ये पुराना है, बाकी ट्रैक्टर लग नहीं रहा बिल्कुल कि ये इसके ऊपर डेंटिंग पेंटिंग हुई है। इतनी ज़्यादा फिनिशिंग और इतनी ज़्यादा क्वालिटी के साथ में इसके ऊपर पेंट किया गया है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन पेंट है, और मिस्त्री साहब इसकी जो है गारंटी भी लेते हैं पेंट की। तो किसान भाइयों, आप लोग भी अपनी सलाह जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको जो है इनका काम कैसा लगा, और आप इनसे जो है काम अगर करवाना चाहते हैं तो मैं आपको जो है इनका नंबर भी कभी कन्फर्म करवा दूंगा, साथ में आपको इनका एड्रेस भी कन्फर्म करवा दूंगा। तो अब आपको मिलवाते हैं किसान भाइयों भूरे पेंटर जी से जो इसका काम करते हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। किसान भाइयों, हम आए हुए हैं मीरापुर में, ये पड़ता है आपका जो है मुजफ्फरनगर के पास में पड़ेगा, मुजफ्फरनगर जिले में जानसठ के पास में पड़ेगा। तो ये पुराने ट्रैक्टर का जो है डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, और कंडीशन आप एक बार ट्रैक्टर की देख लें। ट्रैक्टर आया था जबकि कंडीशन भी हमने आपको दिखाई कि किस कंडीशन में ट्रैक्टर आया था, और अब की कंडीशन भी हमने आपको दिखा दी कि किस कंडीशन में अब ट्रैक्टर है। आज जो है आपकी जो है मुलाकात इनसे करवाते हैं, और साथ में आपको एड्रेस भी ये बताएंगे और अपना परिचय भी देंगे। तो सबसे पहले आप किसान भाइयों को अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सर वीरेंद्र कुमार है, भूरे पेंटर के नाम से मुझे जानते हैं जी। जी जी। और मेरी जो दुकान पड़ती है ये मीरापुर में पड़ती है, जिला मुजफ्फरनगर में जी, तहसील जानसठ पड़ती है जी। और ये है मीरापुर में पंजाब नेशनल बैंक के ठीक सामने मेरी वर्कशॉप है जी, जी। तो वीरेंद्र जी, अब थोड़ा इसके बारे में बताइए, इसकी शुरुआत आपने कब की? मुझे डेंटिंग पे ट्रैक्टरों का तो मैं लगभग ये मानिए कि तकरीबन टचिंग वगैरह तो कर ही जाते थे, पर कंप्लीट जो करना शुरू करा वो 2 साल से करना शुरू करा। 2 साल से? आप 2 साल से कर रहे हैं जी। जी जी, जी। और ट्रैक्टर भी काफ़ी निकाल दिए जी, जी जी। आज तक कभी ऐसा हुआ कोई शिकायत आई हो किसानों की? अभी तक तो किसी तरह की कोई शिकायत आई नहीं, हमने पहले से भी जिसका काम करा अभी तक किसी की कोई शिकायत नहीं आई। तो अगर पेंट की बात करें तो आप पेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? कौन सी पेंट? हम जी ये एजेंसी का टैफेगा था जी, मैसी पे। आप क्वालिटी का पेंट यूज़? क्वालिटी का पेंट जी। आप किसान भाइयों को पेंट भी दिखा देंगे थोड़ा पास से, आप पेंट भी देख लेंगे, ऐसा लगेगा आपको बिल्कुल ही एजेंसी से आया हुआ है ट्रैक्टर है। और फिनिशिंग भी आप दिखा देंगे किसान भाइयों को, फिनिशिंग कितनी अच्छी की हुई है इसके अंदर, और वायरिंग वगैरह टोटल चीज़ें ट्रैक्टर की ये करते हैं। तो थोड़ा सा और किसान भाइयों को इसके बारे में बताइए कि मतलब कितने दिन में ट्रैक्टर तैयार हो जाता है? ट्रैक्टर में ये मान के चलिए लगभग 15 दिन के समथिंग लग जाते हैं कंप्लीट होने में। कंप्लीट होने जी, ये ट्रैक्टर 30 तारीख में आया था हमारे पास में जी, जी, जी। और आज 12 तारीख हो ली है, ये ट्रैक्टर फाइनल खड़ा। इसके इस दौरान हमने 2 ट्रैक्टर निकाल दिए इस बीच में, क्योंकि रूटीन में काम चलता रहता है, तो फिर 10 दिन 8 दिन इस तरह में काम निकल जाए, 10 दिन 12 दिन हो जा जी। हाँ, तो वीरेंद्र जी एक थोड़ा अगर कीमत का अंदाज़ा लें हम तो कीमत का भी आप बताइए थोड़ा। कीमत पेंट की जो है हमारी पेंट की होती है 14,000 रुपये ओरिजिनल की जी, और अगर जेन्युइन पेंट की मैसी की जी, और अगर हल्का कराना चाहते हैं तो हल्का भी हो जाता है, मान लो एश्पा का कलर है तो उसके डाउन रेट है जी, जी, जी। जो एजेंसी का ओरिजिनल पेंट होगा वो ओरिजिनल ही चलेगा, इसकी ये फेड नहीं होगा कलर जी, जी। और अगर ऐसे ही रहेगा, और अगर केयर रखोगे तो ये कलर की शाइनिंग और बढ़ती जाएगी, डाउन नहीं होगी, क्वालिटी और बढ़ती, हाँ क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि केयर के ऊपर बात है, हमने तो तैयार करके दे दिया यहाँ पे, आगे मालिक किस तरह रखता है वो मालिक के हाथ में। थोड़ा सा आप ये भी बताइए जैसे कि मतलब आपने अराउंड बताया प्राइस का कि इतनी कीमत में आप तैयार करते हैं, तो ये हमने ट्रैक्टर की कंडीशन ज़्यादा, ये हमने तो आपको पेंट के पैसे बताए जी, जी जी जी। इससे अलग डेंटिंग है जी, धुलाई बंधाई है ट्रैक्टर की जी, जी, धुलाई है, स्टिकर है,
और भी जो सामान वगैरह है ट्रैक्टर की बात करें, जैसे बिल्कुल खत्म ट्रैक्टर आपके पास आए तो लगभग उसका भी आप अंदाजा बताइए। देखो हमारे पास में मालिक सामान हमें अधिकतर मालिक ला कर देते हैं जी, हमारा तो पेंट हो गया, डेंट हो गया, स्टिकर लाइट होगी, इसमें कंप्लीट ये मान के चलिए लगभग मैसी ट्रैक्टर में 25 से 30 हज़ार रुपये नॉर्मली भाग जाने लग जाते हैं। हाँ नॉर्मली जी, इससे ऊपर मालिक चाहे इसमें 1 लाख रुपए लगा लो जी, वो तो मालिक, हाँ मालिक क्या, हाँ नॉर्मली कंडीशन में 25 से 30 हज़ार रुपये जिस कंडीशन में ये खड़ा है जी। हाँ और किसी और ट्रैक्टर की अगर हम बात करें जैसे फोर्ड हो गया या फिर फोर्ड में, हाँ इनमें थोड़ा महंगा पड़ता है, हाँ महंगा पड़ता है क्योंकि पार्ट्स ज़्यादा हैं उसके और महंगा पार्ट्स है, मैसी का कोई पार्ट्स नहीं ऐसा जी। तो वीरेंद्र जी एक तरीके से कह सकते हैं डिपेंड करता है ट्रैक्टर की कंडीशन के ऊपर तो एक अंदाज़ा अगर हम लेकर चलें तो लगभग 20-25 हज़ार में, हाँ 20 से 25-30 हज़ार रुपये तक नॉर्मली चार्ज ये लगते हैं इतने जी, इतने में आपका हाँ, सही ट्रैक्टर हो जाएगा जिस कंडीशन में खड़ा है। अब मिस्त्री साहब आपको ट्रैक्टर चलाकर दिखाने वाले हैं कि कैसा ये चल रहा है और कैसी आवाज़ दे रहा है, वो भी आप सुनिए। भाइयों को आप एक बार फिर एड्रेस कंफर्म करवा दीजिए और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिए। एड्रेस है जी हमारा कस्बा मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील जानसठ, नियर पंजाब नेशनल बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक के ठीक सामने जी। तो कॉन्टैक्ट नंबर है जी मेरा 9897-8981-95 98-97-89-81-95। तो कोई भी किसान आपसे डायरेक्टली संपर्क कर सकता है। तो किसान भाइयों ये था इनसे परिचय, इन्होंने आपको ट्रैक्टर के बारे में भी जानकारी दी, साथ में कंडीशन भी आपको दिखाई क्या कंडीशन है ट्रैक्टर की और जब आया था जब क्या कंडीशन थी वो भी आपको दिखाई। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं आपसे अगली ऐसी किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और वीरेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। अब तक यह वीडियो आप आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल कृषि मीडिया एंड टैक पर देख रहे थे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।